अस्सलाम गाइस, दिस इज़ रिहान, वेलकम टू रिहान क्रिएशन। फ्रेंड्स, आज मेरे पास है डिफरेंट इस्लामी स्कॉलर्स की पिक्चर्स हैं। आज मैं पाकिस्तान इसके पास जाऊंगा और उनसे पूछूंगा कि पाकिस्तानी मिजानुर रहमान सर के बारे में क्या जानते हैं। फ्रेंड्स, वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग है, अगर पसंद है तो ज़रूर लाइक कर देना, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को ज़रूर शेयर कर देना। तो अब हम चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अच्छा, मेरे पास कुछ पिक्चर हैं, आपने मुझे बताना है कि ये कौन कौन है, ठीक है? तो सबसे पहले आप मुझे बताएं ये कौन है। ये मौलाना तारिक जमील साहब हैं। अच्छा, के काफ़ी मशहूर आलम दीन हैं। अच्छा अच्छा अच्छा, और ये इनको नहीं मैं पहचानता। अच्छा, इनको नहीं, बाहर के हैं, कहीं पाकिस्तान से बाहर। और ये डॉक्टर जाकिर नायक हैं, पीस टीवी के काफ़ी मशहूर आलम दीन हैं। और ये कोई बाहर के हैं, बांग्लादेश वगैरह के लग रहे हैं ये। डॉक्टर जाकिर नायक साहब। और ये मिजानुर रहमान अजहरी साहब हैं, जो मेरे ख्याल दीनी स्कॉलर हैं, बांग्लादेश वाले। ये डॉक्टर जाकिर नायक साहब हैं। अच्छा, और ये नहीं, इनको भी नहीं मैं जानता। इनको भी नहीं आप जानते? नहीं। अच्छा, फिर भी ये किस कंट्री के आपको लग रहे हैं? लग तो अपने पाकिस्तान ही रहे हैं। पाकिस्तान के रहे हैं? चलिए, मैं कहता हूँ पाकिस्तान के नहीं है। मैं आपको तीन ऑप्शन देता हूँ, इंडिया, बांग्लादेश या मलेशिया। कहाँ के हो सकते हैं ये? बांग्लादेश। ये मौलाना तारिक जमील साहब हैं, और ये जो हैं आई थिंक मिजानुर रहमान। कहाँ के हैं ये? बांग्लादेश के, इस्लामिक स्कॉलर हैं। तो आप इनको कैसे जानते? यार, मैंने इनकी YouTube पे वीडियोस देखी हुई हैं अक्सर। तो ही इज़ अ ग्रेट इस्लामिक स्कॉलर इन बांग्लादेश। ये मौलाना तारिक जमील साहब हैं। अच्छा, और ये मौलाना, इनको नहीं जानता। इनको आप नहीं जानते? वैसे कौन सी कंट्री के लग रहे हैं, इंडिया के, मलेशिया के, बांग्लादेश के, कोई वैसे ही आप बता दें। अलग कहाँ के लग रहे हैं आपको? ये पाकिस्तान के लग रहे हैं। अच्छा अच्छा, ठीक है, यानी कि आप बस इन दोनों को जानते हो? जी, बस इन दोनों को जानते हैं। ये तो माशाल्लाह मौलाना तारिक जमील साहब हैं। अच्छा, और उसके बाद है ये कौन है? ये इनको नहीं मैं जानता। इनको आप नहीं जानते? नहीं। अच्छा, और ये कौन है? ये डॉक्टर जाकिर नायक हैं। डॉक्टर जाकिर नायक हैं जी। और ये वाली, ये मिजानुर रहमान शायद इनका नाम है। आप इनको जानते हैं? जानता तो नहीं, लेकिन एक आधी दफ़ा ना इनका सुना है बयान वगैरह, तो माशाल्लाह इनकी बात सीधा दिल पे असर करती है। अच्छा अच्छा, तो मतलब ये आपने उर्दू वगैरह में इनका कोई सुना होना है, ये तो बंगाली में बोलते हैं। नहीं, ये उर्दू में भी इनका मैंने सुना था बयान वगैरह, तो मेरे ख्याल से वो डबिंग में शायद आपने सुना हो कहीं से। जी जी। अच्छा, तो ये कौन सी सिटी के हैं, मतलब कौन सी कंट्री के हैं, आपको पता कुछ? ये आई थिंक बांग्लादेश के हैं जी। ये जाकिर नायक हैं, तो इनको तो पूरी दुनिया में मतलब जाना जाता है। और ये इनको मैंने देखा तो है, लेकिन इनका नाम नहीं मुझे याद। आई थिंक सो ये बांग्लादेश में होते हैं, और इनको मैंने आई थिंक सो इसके बयान सुने हैं, उर्दू में इनकी डबिंग हुई है। और बाकी ये फेसबुक में इनको मैंने इनको देखा है, नाम मुझे याद नहीं है इनका। यानी कि ये बांग्लादेश के हैं? हाँ जी, बांग्लादेश के हैं। ये तो मेरे ख्याल से मिजानुर रहमान अजहरी हैं, शायद बांग्लादेश के हैं। और ये तो डॉक्टर जाकिर नायक हैं। तो आप इनको कैसे जानते हैं? इनको मैंने शायद आई थिंक फेसबुक पे देखा था, उनका एक पेज था मिजानुर रहमान अजहरी के नाम से, काफ़ी व्यूअर्स और फॉलोअर थे उनके, तो मैंने फर्स्ट टाइम वहाँ सुना था बयान के। तो नहीं, ये वैसे कौन सी कंट्री के हैं, आपको ये पता है? इंडिया, बांग्लादेश के हैं शायद, बांग्लादेश के। ये मौलाना तारिक जमील साहब। अच्छा, और ये डॉक्टर जाकिर नायक साहब। और ये वाली, इनको मैं नहीं जानता। इनको आप बिल्कुल भी नहीं जानते? नहीं, बिल्कुल नहीं जानते। कभी आपने यूट्यूब ऑन की हो या फेसबुक ऑन की हो तो इनका कोई वीडियो वगैरह आई हो? शायद नज़र से गुजरी हो, लेकिन गौर कभी नहीं किया कि ये कौन है। चलें, फिर भी आप अंदाज़न बताएं ये कौन सी कंट्री के हो सकते हैं। यहाँ हमारे पाकिस्तान के ही हैं, बांग्लादेश के हैं, इंडिया के हैं, मलेशिया के हैं, कहाँ के हो सकते हैं? लगता है मलेशिया के होंगे। ये मलेशिया के हो सकते हैं? पाकिस्तान के भी हो सकते हैं, लेकिन सही मालूमात नहीं है कि ये किधर के हैं। अच्छा अच्छा, वैसे दिखने में आपको कहाँ के लगते हैं?
वैसे तो पाकिस्तान के भी लगते हैं। अच्छा, और बांग्लादेश के नहीं लगते दिखने में? ये हो सकता है बांग्लादेश के भी हों, लेकिन आइडिया नहीं है कुछ। ये मौलाना तारिक मीर साहब हैं। अच्छा, और ये डॉक्टर जाकिर नाइक। और ये भी हैं, ये मिजानुर रहमान साहब हैं मेरे ख्याल से। आप इनको जानते हैं? हाँ, कुछ कुछ सुना हुआ इनके बारे में। ये मौलाना तारिक मीर। अच्छा, ये वाली? ये जाकिर नाइक। अच्छा, और ये? ये इनका कुछ ज़्यादा नहीं पता मुझे, देखा नहीं कभी इनको। नहीं देखा कभी? कभी वीडियो ऑन की हो, यूट्यूब ऑन की हो, या फेसबुक अगर आगे हो सामने इनकी कोई वीडियो? नोटिस नहीं किया मैंने इनको कितना कभी, क्योंकि मे बी ये एशियन ही है, लेकिन मे बी पाकिस्तानी हों या बांग्लादेशी हों। ये तारिक जमील साहब हैं। तारिक जमील साहब हैं। अच्छा, और ये? ये डॉक्टर जाकिर नाइक। हाँ जी, वही हैं, डॉक्टर जाकिर नाइक। अच्छा अच्छा, और ये? नहीं, इनको नहीं जानते। इनको आप नहीं जानते? नहीं, इनका नहीं पता। फिर भी ये कौन सी कंट्री के हो सकते हैं? पाकिस्तान के, बांग्लादेश के, इंडिया के, मलेशिया के, कहाँ के? इंडिया या बांग्लादेश? इंडिया या बांग्लादेश, वो कौन से में हो सकते हैं? बांग्लादेश में हो सकते हैं शायद। बांग्लादेश में हो सकते हैं शायद? हाँ शायद। कन्फर्म नहीं पता? नहीं, कन्फर्म नहीं पता। कभी आपने इनको यूट्यूब या फेसबुक पे देखा हो? नहीं, इनको नहीं देखा। यानी कि आप इनके बारे में नहीं जानते? नहीं जानते जी। अच्छा, अब आप मुझे ये बताएं, इन दोनों में से आप ज़्यादा लाइक किसको करते हैं? दोनों दीन का काम कर रहे हैं, दोनों अपनी जगह ठीक हैं, दोनों अपनी जगह पॉपुलर। वो जाकिर नाइक साहब जो हैं वो इंडिया में हैं, और ये बांग्लादेश में पॉपुलर हैं। दोनों दीन की खिदमत कर रहे हैं। बेसिकली दोनों को लाइक करता हूँ, दोनों इस्लामिक स्कॉलर्स हैं, दोनों की अपनी एक पहचान है, अट्रैक्टिव स्टाइल है, एक्सेंट है, टोन अच्छी, तो दोनों के पर्सपेक्टिव डिफरेंट हैं। लेकिन पर्सनली मैं लाइक करूँगा मिजानुर रहमान अज़हरी को, उनका एक पोलाइट एक व्यू है, क्या नाम है, लोगों के बारे में, और एक अच्छा मैसेज देते हैं। यार ये कहना मुश्किल है, क्योंकि दोनों का अपना अपना मुकाम है, ठीक है, सोसाइटी में। वो तारिक जमील साहब जो हैं वो पाकिस्तान के एक अच्छे इस्लामिक स्कॉलर हैं, और ये मिजानुर रहमान जो है ये बांग्लादेश के एक मशहूर इस्लामिक स्कॉलर हैं, तो हम दोनों में से किसी एक को चूज़ नहीं कर सकते। क्योंकि आप इनको फॉलो करते हैं? जी जी, मैं फॉलो करता हूँ ज़रूर। तो अच्छा, आप मुझे आप ये बता सकते हैं कि आजकल ये कौन सी कंट्री में, बांग्लादेश में या इंडिया में या मलेशिया में, कहाँ पे हैं आपको अगर पता हो कुछ? आई थिंक ही वेंट टू मलेशिया फॉर फर्दर स्टडी एंड डूइंग PhD, आई थिंक PhD कर रहे हैं शायद वहाँ पे, PhD इस्लामियात शायद। मैं रिसेंटली पोस्ट देखी थी तो उसमें लिखा था PhD इस्लामियात कर रहे हैं। अच्छा, इन पर कोई पॉलिटिकल मतलब के की तरफ से भी कोई मसले मसाइल आए हैं, तो आपको क्या लगता है कि जो मलेशिया वो गए हैं वो PhD के सिलसिले में गए हैं कि या कोई इशू आए हैं कोई पॉलिटिकल? बेसिकली पर्पस तो जाने का मलेशिया यही था कि वो PhD इस्लामियात करने गए हैं, लेकिन पार्लियामेंटेरियन और सेंटर्स की तरफ से जो आए हैं ना वो थोड़ा आए हैं मसले की। कुछ सुना हुआ है कि ये इनकी जो पार्लियामेंट है उनके कुछ मेम्बरान इनके खिलाफ साजिश कर रहे हैं, उसकी वजह से ये काफ़ी डिस्टर्ब हुए हुए हैं, ये मामला था। अच्छा, आप क्या चाहते हैं, जिस तरह ये बांग्लादेश में अपनी दीनी तालीम दे रहे हैं तो क्या इनको पाकिस्तान में आना चाहिए? जी बिल्कुल, उलमा के लिए तो कोई बॉर्डर नहीं है, उनको तो सब जगह जाना चाहिए जहाँ तबलीग हो रही है, उनको तो अलाउ होना चाहिए, उनके लिए कोई बॉर्डर नहीं है। अच्छा, क्या आप चाहते हैं कि पाकिस्तान में भी आए दीनी तालीम फैलाएं जैसे बांग्लादेश में आप ये फैला रहे हैं? हाँ, आए पाकिस्तान में, वेलकम, क्यों नहीं, दीन की तो तबलीग करनी चाहिए। श्योर, इनको पाकिस्तान आना चाहिए। वी नीड दिस सॉर्ट ऑफ स्कॉलर्स दैट गिव्स अ पॉजिटिव मैसेज टू द वर्ल्ड, तो ऐसे पोलाइट स्कॉलर्स को तो हम ज़रूर बुलाएंगे और आना चाहिए। पाकिस्तान की पब्लिक वैसे भी इनको बहुत लाइक करती है, आना चाहिए। अच्छा अच्छा, एंड में आप इनको कोई मैसेज देना चाहेंगे? इनको मैसेज मैं यही देना मतलब के चाहूँगा कि जो इनका तरीका है, मतलब के जाकिर नाइक साहब का भी, इनका वो तरीका अच्छा है, मोटिवेट कर लेते हैं दूसरों को, ठीक है, मतलब गाइडर के लिए ये अच्छे हैं, तो इंशाल्लाह जो है इन फ्यूचर इंशाल्लाह ताला ये तरक्की भी करेंगे और इंशाल्लाह पाकिस्तान भी आएंगे और लोग उनको लाइक भी करेंगे। मैसेज यही है कि जैसे हमारे उलमा किराम पूरी दुनिया में जाते हैं तो इनको भी आना चाहिए पाकिस्तान के अंदर, इस तरह पाकिस्तान के लोगों को भी पता चलेगा इनके बारे में काफ़ी, अभी तो बहुत कम लोग जानते हैं, फिर काफ़ी लोग जानते हैं। आप उनको इन्वाइट करेंगे यहाँ पर? इंशाल्लाह इंशाल्लाह, ज़रूर, क्यों नहीं। चलें ठीक है, थैंक यू थैंक यू।